नमस्कार, मैं होमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। शुभम भोपाल का ऐसा डॉक्टर जिसे आज हर कोई याद कर रहा है, हर किसी की आंखें उसके लिए नम है। शुभम को डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का जुनून था, लेकिन अब आज के बाद शुभम किसी की सेवा नहीं कर पाएगा। शुभम सिर्फ 26 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। सागर के डॉक्टर शुभम उपाध्याय की कोरोना से मौत हो गई। उन्होंने इलाज के दौरान भोपाल के चिरायु अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनके इलाज के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सरकार ने इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए सहायता देने का भी ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले ही शुभम की मौत हो गई। शुभम के अच्छे इलाज के लिए सागर के लोगों ने न केवल पैसे जुटाए थे, बल्कि उनकी सलामती के लिए दुआएं भी की थी, क्योंकि शुभम थे ही ऐसे। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से मार्च में डिग्री पूरी कर शुभम उपाध्याय निकले ही थे कि कोरोना का कहर शुरू हो गया। इसके चलते उन्हें सागर के कोविड सेंटर में ही पहली पोस्टिंग मिली और वे यहां पर जी जान लगाकर कोरोना मरीजों की सेवा में जुट गए। स्वयं की परवाह किए बिना इलाज करते हुए वो भी 28 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। 4 दिनों तक सागर में ही उनका इलाज चला, बाद में उन्हें भोपाल ले जाया गया, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। उनके घर वाले भी उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर परेशान थे। परिवार के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। ऐसे में सागर के लोगों ने पैसे की मदद की और उनके इलाज के लिए पैसा जुटाना शुरू किया। बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनके इलाज का पूरा खर्च, जो लगभग 1 करोड़ का था, वो वहन करने की घोषणा कर दी। लेकिन क्या सरकार ने ये ऐलान करने में देर कर दी, या फिर शुभम ने जिंदगी से पहले ही हार मान ली? डॉक्टरों ने बताया कि उनके दोनों फेफड़े 90% से ज़्यादा खराब हो चुके थे। इलाज के दौरान उन्हें चेन्नई जाना था, लेकिन इससे पहले ही शुभम उपाध्याय ने चिरायु अस्पताल में दम तोड़ दिया। डॉक्टर भगवान होता है। शुभम ने ऐसे समय में लोगों की मदद की जब पूरी दुनिया को बस इन्हीं डॉक्टरों पर उम्मीद थी। जब पूरी दुनिया लड़खड़ा रही थी, तब ऐसे ही डॉक्टरों ने हमें संभाले रखा। आज शुभम ने संकट के समय में देश के लिए और देश के लोगों के लिए जो काम किया है, वो उनके इस दुनिया से चले जाने पर भी कोई भूल नहीं पाएगा। शुभम का ये योगदान अमर रहेगा, वो लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे। शुभम ने दिखा दिया कि एक डॉक्टर के लिए सबसे पहले उसका मरीज होता है। शुभम खुद का ख्याल रखना भूल गए थे, लेकिन कोरोना संक्रमित लोगों का उन्होंने जो ख्याल रखा, वो हमेशा याद किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।